नमस्कार साथियों, नरेश मित्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट यहाँ देखने को मिलती है। तो बेरोजगार साथियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 3624 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है और जो अभ्यर्थी बेरोजगार साथी जो नई भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 3624 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुके हैं और आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिल्कुल स्किप न करें और अंत तक देखें ताकि आपको नई भर्ती को लेकर जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भर्तियों के रिलेटेड जानकारी आपको मिलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि रेलवे ने जारी किया विज्ञापन, इसमें पदों की बात करें तो 3624 पद है। और दोस्तों इसमें आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु है जो 15 वर्ष से और अधिकतम आयु की बात करें तो 24 वर्ष रखी गई है और आयु की जो गणना है 24 जुलाई 2023 के अनुसार की जाएगी। और दोस्तों देख सकते हैं अब इसमें पात्रताएं क्या है। पात्रताएं हैं कि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ मैट्रिक पास होना जरूरी है और इसके अलावा अभ्यर्थियों के पास NCVT का द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और चयन प्रक्रिया इस प्रकार है दोस्तों, देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के मैट्रिक ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई TA/DA नहीं होगा और अप्रेंटिसशिप की अवधि 1 वर्ष होगी। और आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों देख सकते हैं 26 जुलाई है जो आवेदन की अंतिम तिथि है। तो इसके लिए शुल्क रखा गया जो 100 रुपये रखा गया और इस साइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।